आईपीएल 2021 के दूसरे हाफ में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीमें आमने सामने होंगी। यह मुकाबला शाम 7:30 बजे से अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसी साल अप्रैल मई में आईपीएल 2021 के पहले हाफ में अपने ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर 7 में से 5 मैच जीतने वाली आरसीबी दूसरे हाफ में भी अपनी उसी लय को बरकरार रखना चाहेगी, जबकि दो बार की चैंपियन केकेआर की टीम नए सिरे से शुरुआत करके किस्मत बदलने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। विराट कोहली की अगुवाई वाली आरसीबी 10 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में तीसरे नंबर पर है, जबकि आईपीएल 2012 और 2014 की चैंपियन केकेआर ने पहले हाफ में 7 मैचों में से सिर्फ 2 मैचों में ही जीत दर्ज की और वो भी 4 अंक के साथ अंक तालिका में 7वें स्थान पर है। इन दोनों टीमों के बीच अभी तक जो 27 मैच खेले गए हैं उनमें केकेआर ने 14 और आरसीबी ने 13 मैच जीते हैं। हालांकि पहले हाफ के मैच में आरसीबी ने अपने इस प्रतिद्वंदी को 38 रन से हराया था। अबुधाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम की पिच गेंदबाजों के लिए मुफीद साबित होती है। केकेआर के लिए यह मैदान होम वेन्यू से कम नहीं है। आईपीएल 2020 में उसने यहाँ 7 मैचों में जीत दर्ज की थी। मैच प्रेडिक्शन मीटर बता रहा है कि इस मैच में बड़ा उलटफेर हो सकता है। भले इस मैच में आरसीबी का पलड़ा भारी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस मैच में कोलकाता की जीत होगी। हालांकि मैच के रोमांचक होने के पूरे आसार हैं। कोलकाता की संभावित प्लेइंग 11 होंगे नीतीश राणा, शुभमन गिल, राहुल त्रिपाठी, ओएन मॉर्गन, दिनेश कार्तिक, आंद्रे रसल, टिम सौदी, सुनील नरेन, शिवम मावी, वरुण चक्रवर्ती और प्रसिद्ध कृष्णा। आरसीबी के संभावित प्लेइंग 11 होंगे देवदत्त पड्डिकल, विराट कोहली, मोहम्मद अजहरुद्दीन, ग्लैन मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स, वरिंदु हसरंगा, शहबाज अहमद, काइल जैमिसन, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज और युजवेंद्र चहल। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।